पटना के कच्ची दरगाह पर गंगा के बीचों बीच बड़ा हादसा हो गया। एक बड़ी नाव बिजली के हाईटेंशन तार से टकरा गई, जिसकी वजह से नाव पर सवार 38 लोग झुलस गए। कई लोग के बारे में यह दावा किया जा रहा है कि वो नदी में कूद गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। इधर एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की तलाश करने में जुटी हुई है। उधर हादसे के बाद पीड़ित परिवारों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। गंगा के बीचों बीच बड़ा हादसा, हाई टेंशन तार से टकराई नाव, हादसे में 38 झुलसे, कई लापता। बीती रात पटना के कच्ची दरगाह के पास गंगा के बीचों बीच बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी नाव हाई टेंशन तार से टकरा गई। इसमें 35 से ज्यादा लोग झुलस गए, तो कई लापता हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। कुछ लोगों के बारे में सूचना मिल रही है, लेकिन कोई सही जानकारी नहीं दे पा रहे। जो नाव पे सवार थे उनके द्वारा भी अभी सही जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। अभी हम लोग एनडीआरएफ की टीम जो है सर्च कर रही है, और जैसा भी हम लोग को आगे का अपडेट मिल रहा है। अभी 38 आदमी की सूची थी हम लोग के पास जख्मी होने की, और कुछ लोग लापता होने के बाद बताई जा रही है। विशेष जो है सटीक के नई फिगर है कि इतने लोग सवार थे और कितने लोग लापता हैं। अलग अलग जगह पर लोगों का इलाज हुआ है, तो इसे हम लोग गैदर कर रहे हैं सूचना को। बताया जा रहा है कि कच्ची दरगाह से यात्रियों को लेकर नाव वैशाली के राघोपुर जा रही थी, लेकिन बीच नदी में नाव में गड़बड़ी आ गई। इसके बाद नाव का संतुलन गड़बड़ा गया और हाई टेंशन तार से जाकर टकरा गई। नाव में तार टकरा गया था। कौन सा तार था? यही 11,000 वाला है। हेलो, कितने आदमी था नाव पर? कम से कम 250 था। 8 बजे नाव चालू हो गया, करीब नाव 1 घंटा चल भी गया। उसको बाद जाके बीच में एक टिल्लू है, बालू का एक है बीच में, उस पर जाके नाव फंस गया। हादसे के बाद कच्ची दरगाह में हड़कंप मच गया। जख्मी लोगों को लेकर अलग अलग अस्पतालों में भीड़ जुट गई। अधिकारियों की टीम भी अस्पताल में पहुंचकर जानकारी जुटाने में जुट गई, तो गांव में कोहराम मच गया। पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि जो लापता हुए हैं उनका पता अभी तक नहीं चल पाया है। बिहार सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है। कोई व्यवस्था ना है, लेबर क्लास के आदमी है, कमा के रात में जाता है। हम लोग बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उन लोग को उचित इलाज हो, मुआवजा मिले। फिलहाल जख्मी लोगों का इलाज कच्ची दरगाह के आसपास के अस्पतालों में चल रहा है। कई लोग छुट्टी लेकर अपने घर जा चुके हैं, तो उधर गंगा में लापता लोगों की तलाश जारी है। प्रवीण कांत, जी।